एक शेर अर्ज किया है, तुमने मारा दूर से हमने झपट के ले लिया, तुम नहीं तो क्या हुआ, दिल में तुम्हारा तीर है। बिरादर प्लीज काम करने दो। बिरादर? ओहो, शेर सुनने की तमीज ही नहीं है। एक शेर और सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। घूम कर आया हमारी पीठ में वो धस गया, खींच कर दिल ले गया, ऐसा तुम्हारा तीर है। दुर्रानी भाई प्लीज। भाई दुर्रानी नहीं बोल सकती सिर्फ। मैम साहब, आज आप लेट हो गई। आज आप जल्दी आ गए साहब। अब से ऐसा ही होगा। आपका प्यार ही ऐसा है। अच्छा मैं फटाफट नहा लेता हूँ, तुम जल्दी से चाय बना के ले आओ। अच्छा। ये तो गलत धारी नीचे छोड़ा है मैं। अरे अरे अरे, क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो फिल्म फेयर मैगजीन लेने आया था तो अचानक सिग्नल आ गया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते। लाओ। पढ़ूंगी। तुम नहीं पढ़ो। आज मैं पढ़कर ही रहूंगी। लेकिन ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसके अंदर मेरे अंदरूनी जज्बात है। लाओ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ। तुम नहीं। ठीक है पढ़ो। आओ आओ बिरादर। यार चल मेरे साथ। क्या हुआ? बहुत बड़ा घफला हो गया यार, तुम ही चलकर अपनी भाभी को समझाओ। लेकिन क्या हुआ बिरादर, क्या हुआ? वो निर्मला है ना, वो अपनी सेक्रेटरी। हाँ। हाँ। उसने जाकर तुम्हारी भाभी के पास न जाने क्या क्या बका है। मुझे तो डर लगता है कहीं शारदा कुछ करने बैठे। ये निर्मला की बच्ची तो मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। ओहो, तो मामला इतना संगीन हो गया बिरादर। अमा पहले बोल दिया होता तो हम निर्मला को बर्बाद कर देते, ऐसी क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, चल के देख लेते हैं। दोस्त वही जो वक्त पे काम आए, वार उस पर न हो खुद पे झेल जाए। यार ये भी तुम्हारा नहीं है। तुमको मेरी मदद चाहिए कि नहीं? हाँ। तो फिर शेर मेरा है, 100% मेरा है। बोलो किसका? तुम्हारा है। हाँ, हद हो गई। आइए चलिए, मानते ही नहीं थे। वकील लेकर आए हो? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? पूछो इसे, पूछो दुरानी से। आप भी किस चक्कर में आ गई भाभी? निर्मला तो लड़की ऐसी है, उसने दफ्तर में किसी को नहीं छोड़ा, सब पे डोरे डाले, और जब किसी पर बस नहीं चला तो मेरे भोले भाले बिरादर को पकड़ लिया। ये बात है। और नहीं तो क्या? तो फिर ये क्या है? अरे डायरी, बिरादर की डायरी। पढ़ो इसे। ओ, निर्मला तुम एक हसीन ख्वाब हो, समंदर की लहरों की तरह लहराता हुआ तुम्हारा जिस्म, तितली के पंखों की तरह कांपते हुए तुम्हारे अध खुले होंठ। वाह बिरादर वाह वाह। कभी कभी लगता है सदियों से मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा था, आवाजें लगाता हुआ, तुम्हें पुकारता हुआ, निर्मला निर्मला निर्मल। वाह बिरादर वाह, आज तक मैं ही अपने आप को शायर समझता था,
लेकिन तुम्हारी शायरी के सामने मैं उल्लू का पट्टा लग रहा हूँ। वाह वाह, मुझे शागिर्द बना लो बिरादर, मुझे शागिर्द बना लो, नहीं मुझे बना डालो, मुझे बना डालो बिरादर। निर्मला, मैं और भी कुछ दिखा। निर्मला, निर्मला, ये देखो। वाह, ये जबरदस्त पोज। भाभी, यही इनकी गलती है। इश्क करने वाले को और कत्ल करने वाले को कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हमारे बिरादर तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट है ना, सबूत तक छोड़ दिया। बिरादर, जरा हमारी तरह मुखातिब हो जाइए। इतनी अच्छी भाभी के होते हुए आपने ये जुर्रत कैसे की? ये क्या बताएंगे, ये कब से मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। देखो शारदा, मुझसे जो कुछ हुआ है मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मेरा उस लड़की के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था, जस्ट प्लेटोनिक रिलेशन था मेरा। उसको आराम और पैसे की जरूरत थी, साथ साथ तुमने उसे वो भी दे दिया जिस पर सिर्फ एक पत्नी का हक होता है। उसे धन दौलत सब कुछ दे देते, लेकिन वो प्यार न देते तो सिर्फ मेरा था। उसे आदमी की जरूरत थी, मुझे आदमी नहीं रंजित की जरूरत थी। तुमने मेरा रंजित भी उसे दे दिया, बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास? अरे भाभी, इसीलिए तो हम लोग कुंवारे रह गए। जब शादीशुदा लोग ही लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे तो हम कुंवारों की शादी कैसे होगी। खैर जाने दीजिए, चलो बिरादर आगे बढ़कर भाभी से माफी मांग लो और कान पकड़कर बोलो कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगे। माफी तो मैं पहले ही मांग चुका हूँ दुरानी, पर ये माफ करे तब। एक औरत के पास माफ करने के अलावा हक क्या है? भाभी, आमा बिरादर, आप इतना भी नहीं जानते कि सुहागरात को क्या होता है? पहली शादी है यार, दूसरी तीसरी होती तो कुछ बताता नहीं। पहले तो बड़ा शेर बनता था, आज क्या हो गया है तुझे? पता नहीं यार मुझे क्या हुआ मुझे। अरे हम बताते हैं बिरादर, पहली रात यानी सुहाग रात बहुत नाजुक होती है। इसमें थोड़ी सी भी भूल कर गए तो जिंदगी भर पछताओगे। अरे कुछ मेरी भी सुनो भैया, मेरी भी। इस किताब को पढ़ लो तो किला फतेह समझो फतेह। ये क्या हिदायत नामा खाविंद। पढ़ो पढ़ो। यार मैं अभी इस किताब को पढ़ना शुरू करूंगा तो सुबह इसी में हो जाएगी। ठीक ही तो कह रहा है, अबे किताब पढ़ेगा तो करेगा क्या। अरे छोड़ो ये सब भाई, हम बताते हैं, जरा देखो हैं। बीवी सगे हुए पलंग पर यूं बैठी होगी, लजाई सी, सकुचाई सी, शर्माई सी। अब पहला लेसन, तुम्हें सीधे कमरे में घुसना है अकेले। यार पूछ रहा हूँ यार, आगे। अकबर बादशाह की तरह फूल सूंघते हुए। फूल सूंघ, एक मिनट यार मैं जरा नोट कर लेता हूँ सर। हाँ हाँ कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले। फूल कौन से हाथ में? दाएं हाथ में, दाएं हाथ में। अकबर बादशाह ने भी दाएं हाथ में फूल पकड़ा था, ऐसे। दाएं हाथ में फूल, अकबर बादशाह की तरह। हाँ नोट कर लिया, आगे। तब बीवी पहली बार शर्मीली नजरों से तुमको देखेगी। शर्मीली नजरों से देखेगी। गुलाब का फूल बीवी को पेश करना, कहना सिर्फ तुम्हारे लिए। वो तो मैं कह दूंगा। फिर बीवी लजा के सकुचा के थोड़ी खिसक सी जाएगी, तब हल्के से उसका हाथ पकड़कर नजदीक जाते हुए पहला डायलॉग। जाने मां, अब हमसे ये दूरी कैसी? दूरी कैसी? तब तक तुम्हारा बायां हाथ उसके कंधे तक पहुंच जाना चाहिए, गड़बड़ मत करना। ये डायलॉग बोलते बोलते? अरे हाँ भाई, डायलॉग बोलते हुए यार। अच्छा, डायलॉग और एक्शन साथ साथ, आगे। तब धीरे से उसका कंधा दबाना और बड़े प्यार से अपनी जाने मन को अपनी तरफ खींचना। और अपनी तरफ। अब पहली बार तुम्हें
उसको चूमना होगा। लेकिन अगर वो घुटनों में सर छुपाए बैठी होगी तो क्या हुआ, दाएं हाथ से उसका मुंह उठाकर उसको चूम लेना। लेकिन दाएं हाथ में तो नहीं, वो तो दे दिया था, दे दिया था, हाँ, सॉरी। और चूमने के बाद उसको पान खिलाना। लेकिन वहाँ पान कहाँ से आएगा बिरादर, वहाँ सब रखा होगा, पान, पानी, दूध। उसके बाद वो तुम्हें पान खिलाएगी। पान मुझे? नहीं नहीं नहीं, मुझे पान पसंद नहीं, मैं पान नहीं खाऊंगा। अरे बिरादर, यही वो मौका है जब उसकी कोहनी का सहारा लेकर अधलेट हो जाना और बीवी तुम्हारे आगोश में आ जाएगी। फिर क्या, फिर दुनियादारी की बातें और क्या। दुनियादारी की बातें। एक बात याद रखना बिरादर, पहली रात जो बिल्ली मार ले वही मौज करता है। अच्छा। उससे दब मत जाना। अरे नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं, मैं कुछ और ही कह रहा।